हेलो फ्रेंड्स, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसा ड्रग देखने वाले हैं जो बहुत ही कॉमनली वार्ड में या आईसीयू में यूज़ होता है, और अगर ये ड्रग आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो इससे पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही ड्रग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और वो ड्रग है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो के एंड में मैं ऐसे 7 रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको ये ड्रग देते वक्त ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड जो है वो हमें 10 ml की एम्प्यूल में अवेलेबल रहता है, और ये जो एम्प्यूल है, ये 10 ml की जो एम्प्यूल है उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड रहता है, यानी 1 ml में 150 ग्राम या फिर 2 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम रहता है। तो एक एम्प्यूल यानी 10 ml की एक एम्प्यूल में हमें 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम मिलता है। तो ये मिली इक्विवेलेंट हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी डोजिंग है वो सब मिली इक्विवेलेंट के बेसिस पे ही रहती है। तो एक एम्प्यूल यानी 10 ml में 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम रहता है। तो दोस्तों, आगे पोटेशियम क्लोराइड के इंडिकेशन समझने से पहले हमें थोड़ा फार्माकोलॉजिकल बेसिस पता रहना चाहिए। हमें पता है कि जो पोटेशियम है ये मेनली इंट्रा सेलुलर आयन है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम रहता है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है इसमें ये पोटेशियम बहुत ही काम का होता है। अगर पोटेशियम का इम्बैलेंस हो गया तो ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और साथ में ही कार्डियक इफेक्ट्स भी होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी हमारे बॉडी में सोडियम की कमी होती है तो किडनी सोडियम का एक्सक्रीशन रोक देती है, यानी कि सोडियम को बॉडी में रिटेन करने की कोशिश करती है। उसके अपोजिट साइड में जब पोटेशियम बॉडी में कम होता है तो ये किडनी के जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो सोडियम की कंपैरिजन में पोटेशियम से रिलेटेड कम है, और इसीलिए अगर हाइपोकैलेमिया भी होगा तो मैंडेटरली 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम जो है ये लॉस होता ही है बॉडी में से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ये जो ड्रग है उसके जो इंडिकेशंस है वो फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, इसका जो इंडिकेशन है मेनली वो है इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया की हम ट्रीटमेंट करते हैं जब पोटेशियम लेवल कम हो जाती है, या उसका प्रिवेंशन भी करते हैं। तो दोस्तों, हाइपोकैलेमिया की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा ये है कि पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन जो है वो प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका खासकर जो यूज़ है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स जो है वो मेंटेनेंस फ्लूइड्स पे रहते हैं, और ऐसे जो मेंटेनेंस फ्लूइड्स है जिसमें पोटेशियम नहीं है उसमें फिर हमें ये पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम वो मैंडेटरीली बॉडी से लॉस होता ही है इवन इन हाइपोकैलेमिया। मतलब कुछ ना कुछ जो पोटेशियम है वो किडनी से मैंडेटरी लॉस होता ही है अगर आपका इंटेक बराबर नहीं है तो। तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है अडल्ट की वो है अबाउट 60 मिली इक्विवेलेंट पर डे। तो 60 मिली इक्विवेलेंट जो है उतना पोटेशियम हमें एक दिन में मेंटेनेंस फ्लूइड्स में ऐसे पेशेंट्स को देना चाहिए। दूसरा जो है, ये पोटेशियम हम कहाँ पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, जो पोटेशियम फ्री पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड्स रहते हैं। जब पेरिटोनियल डायलिसिस होता है तो उसमें पेरिटोनियल फ्लूइड्स, डायलिसिस के फ्लूइड्स यूज़ होते हैं, उसमें अगर पोटेशियम नहीं है तो उसमें हम ये KCL डाल सकते हैं। और तीसरा इसका यूज़ है कार्डियक बाईपास सर्जरी में। जब कार्डियक बाईपास सर्जरी करते हैं तो हम जो हार्ट की जो धड़कन है
वो रोकते हैं और फिर बाद में पेशेंट को हार्ट लंग बाईपास मशीन पे डालते हैं। तो ऐसा जब कार्डियक स्टैंड स्टिल करना पड़ता है तो वो टाइम पे हमें पोटेशियम क्लोराइड का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? तो मेन तो यह है कि जो रीनल फेल्योर के पेशेंट्स है इसमें हमें ये पोटेशियम ये जो ड्रग है ये बहुत ही कॉशियसली यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बहुत ही जल्दी हाइपरकैलेमिया में जा सकते हैं और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। अब मैं आपको बेसिक जो 7 रूल्स है जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए ये ड्रग यूज करते वक्त, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो 7 बेसिक रूल्स है पोटेशियम क्लोराइड यूज करने के वो इस प्रकार से है। पहला, नेवर गिव IV KCL डायरेक्टली। ये जो पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन है ये हमें डायरेक्टली ऐसा बोलस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और ऐसा पेशेंट फिर कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये तो है सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला रूल कि नेवर गिव डायरेक्ट IV पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा, ऑलवेज गिव दिस इंजेक्शन डायल्यूटेड इन इन्फ्यूजन। कभी भी ये जो ड्रग है ये हमें कोई भी IV फ्लूइड के साथ डायल्यूट करके देना चाहिए। दूसरा, नेवर एड मोर देन 40 mEq/L। जब भी आप डायल्यूशन करेंगे तो 1 लीटर फ्लूइड में ज़्यादा से ज़्यादा 40 mEq ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ही आना चाहिए। तीसरा, जो रेट है इन्फ्यूजन का वो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 mEq/h। 1 घंटे में आपको 10 mEq से ज़्यादा पोटेशियम पेशेंट को नहीं देना है। पांचवा, नेवर एड पोटेशियम इन Isolate M। आइसोलेट एम ये जो IV फ्लूइड है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट होता है, इसलिए आइसोलेट एम में आपको पोटेशियम कभी भी ऐड नहीं करना है। नेवर यूज विदाउट नोइंग पोटेशियम लेवल। पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम लेवल कितनी है वो आपको पता रहते बिना ये जो ड्रग है KCL ये यूज नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज मॉनिटर पोटेशियम लेवल एंड ऑल्सो ECG। और जब भी आप पेशेंट को ये ड्रग देते हैं तो उसकी जो पोटेशियम की ब्लड लेवल है वो आपने हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए और साथ में ECG के साथ भी उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बेसिक 7 रूल्स है ऑफ यूजिंग इंजेक्शन KCL ये आपको हमेशा हमेशा ही ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। और दोस्तों अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो 1000 लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।